अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ोन बेस्ट फार्मिंग में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक सरहदी गांव में लेके आए हैं जो बॉर्डर के बहुत करीब है और बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। वो ये है जो आपके सामने अभी ये ट्यूबवेल चल रहा है, एक बच्चा पानी भी भर रहा है उससे, बग़ैर किसी भी कनेक्शन के, बग़ैर किसी बिजली का कनेक्शन, बग़ैर किसी कोई पीटर का कनेक्शन या किसी भी किस्म का कनेक्शन के बगैर चल रहा है। ये एक मौजदा है, अल्लाह की कुदरत है या कुछ भी, ये हम मकामी किसी बंदे से इंटरव्यू भी करते हैं इस हवाले से कि ये कैसे ट्यूबवेल जो है ना वो मुसलसल बग़ैर किसी जो है ना वो कनेक्शन के चल रहा है। ये देखें, ये सामने आपके जो है नज़र आ रहा है, ये सब इसी ट्यूबवेल के से ज़मीन सैराब हो रही है। ये देखें, ये सारी ज़मीन जो है ना इसी ट्यूबवेल से सैराब होती है। लोग फिर रहे हैं इधर, देखिए मज़ीद आपको करीब जाकर भी दिखाते हैं। ये देखें, ये सारा पानी जो है ना ये किसी का जो है ना ये साथ लग रहा है ज़मीनों को। ये सारी जो ज़मीनें आपके सामने नज़र आ रही हैं बिल्कुल इसी ट्यूबवेल से ये सैराब होती हैं और पानी इस वक्त लगा भी हुआ है और ट्यूबवेल चल रहा है। आपको इसका सारा बिल्कुल पूरी तसल्ली से दिखाएंगे। कोई इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला एडिटिंग नज़र नहीं आएगी, आपको मौजदा ही मौजदा नज़र आएगा कि ये एक अल्लाह ताला की ख़ास कुदरत है जो इन लोगों पर ये नेमत बन के जो है ना वो बरस रही है और ये ट्यूबवेल जो है ना वो इनको मुफ्त में जो पानी फराहम कर रहा है। ये देखें आपके सामने सारी जो ज़मीन को पानी इसी ट्यूबवेल का लगा हुआ है, ये चेक करें। अभी आपको मज़ीद इसके बिल्कुल करीब लेकर जाता हूँ मैं और दिखाता हूँ कि कैसे जो है ना, ये सामने एक शख्स भी खड़ा है, उसका भी इंशाल्लाह ताला हम इसी हवाले से इंटरव्यू करते हैं कि ये क्या किस तरह जो है ना। ये सिर्फ एक ट्यूबवेल नहीं है दोस्तों, इधर कोई कम से कम जो है ना मकामी लोगों को कहना है कि 3-4 ट्यूबवेल हैं। मज़ीद हम पूछते हैं उनसे, वो बताएँगे तो और भी ट्यूबवेल है, वो इससे भी ज़्यादा पानी दे रहे हैं, लेकिन हम जो है ना वो इस ट्यूबवेल तक जो है ना वो आसानी से पहुँचे हैं। तो आपको ये ट्यूबवेल दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आगे भी मज़ीद आपको वो ट्यूबवेल हम दिखाएंगे। ये देखें, ये चेक करें, ज़बरदस्त पानी है। ज़मीनों से पानी से लेकर आपको ट्यूबवेल का जो पानी नीचे गिर रहा है उससे लेकर आखिर तक आपको पूरी तसल्ली से हम ये ट्यूबवेल दिखाते हैं कि ये कैसे इसमें से पानी अल्लाह ताला की कुदरत से आ रहा है, ताकि आपको ये क्लियर बात हो जाए कि इसका किसी भी किस्म का कनेक्शन नहीं है। ये देखें, ये लोहे की नाल और ये देखें, ये शायद मकीद हम पूछते हैं, लेकिन ये शायद इसका वाल है जो इसको जब बंद करते हैं ट्यूबवेल को तो इसके साथ जो है ना ये, ताकि मुसलसल जो पानी वो बहे ना, उसको बंद करने का इस पूरी तरीक़ेकार इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, इससे आगे ये देखें, ये नाली आ रही है नीचे को और ये देखें, अच्छा जी, ये अभी चेक करते जाएं आप, आपको किसी भी किस्म का डाउट नहीं इंशाल्लाह ताला होगा। ये देखें, चेक करें, मैं आपको पूरा इसका व्यू दिखाता हूँ। कोई इधर फीटर नहीं लगा हुआ, कोई इधर बिजली की मोटर नहीं लगी हुई, यह आपको बिल्कुल साथ वाला एरिया भी सारा मैं दिखाता हूँ, चेक करें। ठीक है जी, दोबारा से उधर ही आ गए हम। ये देख, दूसरी साइड से आपको मज़ीद तसल्ली करवा देता हूँ। देखें, चेक करें, कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है दूर दूर तक भी। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरी तसल्ली हो गई होगी इस ट्यूबवेल की, और इस तरह के और भी ट्यूबवेल इधर मौजूद हैं जो इसी तरह चलते हैं बग़ैर किसी कनेक्शन के, इसी तरह ज़मीनों को सैराब करते हैं। अभी मूंजी का मौसम है, मूंजी लगने वाली है,
और ये लोग ज़मीनों को खराब कर रहे हैं, जब इनको ज़रूरत नहीं होती ये बंद कर देते हैं। आइए अभी आपको किसी मकामी बंदे का इंटरव्यू करते हैं ताकि हमें मज़ीद इसकी पूरी तसल्ली हो जाए, इसकी डिटेल मालूम हो सके। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? अनवार अहमद। इस गांव का क्या नाम है? गांव बड़ा भाई मसरूर। बड़ा भाई जी, तो किस तहसील में पड़ता है ये? ये तहसील शकरगढ़, ज़िला नारोवा। ठीक है जी, तहसील शकरगढ़ में ये नाजरीन ये गांव है और बिल्कुल सरहद के ऊपर। बड़ा भाई आप लोगों ने जो जानते हैं उन्होंने काफ़ी ये सुना भी होगा, मशहूर गाँव है और उसके साथ ये ट्यूबवेल पे हम खड़े हैं और इनसे अभी पूछते हैं। अच्छा क्या नाम बताया भाई? अनवार अहमद। अनवार अहमद। अनवार अहमद भाई, ये ट्यूबवेल कब से इसी तरह चल रहा है और इसके साथ साथ कोई दूसरे ट्यूबवेल भी सुना है हमने इधर हैं, आप ज़रा डिटेल बताएं। काफ़ी ज़्यादा ट्यूबवेल हैं इधर और आए भी थोड़े से इलाके में ही हैं। अच्छा, ये गांव के नीचे नीचे ही हैं, आगे नहीं हैं, और भी जगह हैं इस तरह की लेकिन उधर नहीं है। यानी इसके इर्द गिर्द करीब ही हैं और जितने दूसरे एरिए हैं उनमें ऐसा कोई ट्यूबवेल मौजूद नहीं है जो बगैर किसी कनेक्शन के हो? नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, दरिया इसके नज़दीक है और पहाड़ी इलाका है, उसके प्रेशर के लिए बन जाता है ट्यूबवेल, पानी ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा इधर, एक नहीं है काफ़ी ज़्यादा है इधर। आप ये समझते हैं कि करीब दरिया है इसके और पहाड़ी इलाका है, उसके प्रेशर की वजह से ये पानी खुद ब खुद जो है ना वो निकल रहा है? जी जी। तो आप ज़मीनों को पानी लगाते हैं और कभी ज़मीनों को पानी की ज़रूरत नहीं भी होती तो इसको बंद किस तरह करते हैं? ये ऊपर वाल लगा हुआ ना। अच्छा। ये ऊपर वाल लगा हुआ है, वाल एक टिक्की होती है, नट खोल के वो टिक्की ऊपर रखनी। अच्छा, तो बंद हो जाए। ठीक है, टिक्की के साथ आप बंद कर देते हैं, जब चलाना होता है फिर उसको वाल फिर उसको निकाल लेते हैं, वो चलता रहता है। ठीक है। अच्छा अनवार भाई, अभी जो हम देख रहे हैं इस वक्त ट्यूबवेल चल रहा है उसका जो है ना तकरीबन नाल जो लगी हुई है उसके लोहे की वो आधी है, ये कितने इंच की नाल है और आधी चल रही है, क्या इससे ज़्यादा भी पानी हो सकता है या सिर्फ इतना ही चलता है, क्या है? ये 5-6 इंच का नाल है, 6 इंच का। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो जाएगा जब एक दो बारिश होगी ना तो फिर। अच्छा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, बारिशों की वजह से पानी ज़्यादा हो जाता है? पानी ज़्यादा हो जाएगा। अभी एक ट्यूबवेल उधर है आगे, उसके तो आदमी नीचे नहा नहीं सकता, इतना तेज इतना पानी प्रेशर है। जी, वो 8 इंच की नाली है और फुल भर के आता है। ज़बरदस्त जी। और इसका अगर बारिशों के अलावा अगर इसका पानी तेज़ करना चाहें, अभी ये तकरीबन जो है ना वो दरमियाना पानी चल रहा है, यानी आधी नाल चल रही, इसे फुल भर कर भी आ सकता है? साथ सारे ट्यूबवेल चल रहे हैं ना। अच्छा, फिल्टर के साथ भी कोई चल रहे हैं, कोई ऐसे भी चल रहे हैं, इसकी वजह से ना थोड़ा सा कम है। अच्छा अच्छा, जब वो बंद हो जाएंगे और तेज़ हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से भी प्रेशर का मसला बन जाता है। ठीक है, माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त आपके इलाके में ये जो है ना वो ट्यूबवेल हमने देखे हैं। ये अल्लाह ताला की एक जो कुदरत है आप लोगों के लिए नेमत है, या किसी भी सूरत में प्रेशर पहाड़ी का हो, दरिया का हो, बहरहाल ये अल्लाह का करम नवाजी है जी। और इलाकों में पहाड़ियाँ भी हैं, दरिया भी हैं, कहीं हमने पूरे पाकिस्तान में इस तरह का माहौल नहीं देखा जो आपके इलाके में हम देख रहे हैं जी। और आपकी ज़मीन भी इधर मौजूद है? ये साथ ही आगे। अच्छा जी, इस ट्यूबवेल से आपकी ज़मीन को खराब होता है पानी? नहीं, वो दूसरा ट्यूबवेल हमने खुद लगाया हुआ अपना। अच्छा, उसमें वो उधर पीटर वगैरह लगा हुआ है? हमने पीटर लगाया हुआ है। यानी इसके इर्द गिर्द पीटर लगे हुए हैं लेकिन ये मखसूस कोई ऐसी जगह हैं जहाँ बगैर किसी भी कनेक्शन के? वो भी चल रहे हैं, ऐसे भी चल रहे हैं, वो कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है कि बारिशें नहीं होती तो कम होता पानी, तो फिर पीटर के साथ हम ज़रा और निकाल लेते हैं तेज़ पानी। अच्छा अच्छा जी, चलो बहुत अब अनवार भाई, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। okay,